गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एच एस मीन्स रिजल्ट हैज बिन डिक्लेयर एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ हु हैव क्लियर द मीन्स एग्जामिनेशन एंड आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एट द सेम टाइम अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट टू हु कुड नॉट क्लियर दिस इज नॉट द एंड इट इज जस्ट अ बिगनिंग आपने तैयारी कर रखी है मीन्स की सारी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और एच एस का दोबारा वैकेंसीज भी आने वाली हैं डोंट फील डिस और अपनी तैयारी को जारी रखिए ये जो प्रेशियस टाइम होता है बिफोर द डिकलेशन ऑफ वैकेंसीज दिस इज द डिफाइनिंग मोमेंट अभी आप मीन्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की और प्रीलिम का अपना रिवाइज करिए एंड विल बी योर्स इन द नेक्स्ट अटैम्प्टा कमिंग टू दोड इन दीन्स एग्जामिनेशन जिन्होंने क्लियर कर लिया है नाउ दे है इंटरव्यू तो आप फुल दिल से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए मैं कुछ एरियाज आपको बता देता हूँ कि जो एरियाज आपको तैयार करने होते हैं एंड द रिसोर्स अभिमेन्यू कैन प्रोवाइड यू एट दिस मोमेंट फॉर बेटर प्रिपरेशन इन एच एस वो हम आपको बताएंगे राइट right? इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है एरियाज uh, अगर हम मैं डिनोट करूँ तो नंबर वन जो एरिया है जो आपको त्यार करना पड़ता है दैट इज योर बायोडाटा आपका जो बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ते हैं इसके अंदर लाइक वाई आप एच एस क्यों बनना चाहते हैं इंजीनियरिंग की है तो क्यों आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं क्या स्ट्रेंथ्स हैं क्या वीकनेसेज हैं दिर इज द लिस्ट ऑफ अराउंड फिफ्टीन ट्वेंटी क्वेश्चन जो जनरली बच्चों से इंटरव्यू उन में उनमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है तो वो आपको तैयार करना है फिर आपकी अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आपने क्रिटिकल डिसीजन क्यों लिए है ना तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं विच यू कैन ऑलवेज प्री प्रिपेयर है ना यू कैन फोर्स ही कि ये मेरे से पूछा जा सकता है एंड आई शुड प्रिपेयर इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर और उसके नंबर मुझे मिले देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनप्रडिक्टेबल हैं जिसको आपको पता नहीं कि आप पूछेंगे वो है ना तो लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको पता होता है ये पूछेंगे है ना तो वो क्वेश्चन तैयार कर लेना बहुत जरूरी है दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यू तो बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन कई बच्चे मिस कर जाते हैं जिनको नहीं इतना मालूम होता तो वो आपको करना है राइट और सेकंड इसके लिए सेकंड एरिया जो आपको तैयार करना है दैट इज योर स्टेट हरियाणा हरियाणा स्टेट है ना तो ये हरियाणा पे क्वेश्चन कुछ जरूर पूछेंगे आपसे एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद हरियाणा प्रॉपरली और आपका जो प्लेस है या डिस्ट्रिक्ट है जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आ रहे हैं वो ज़रूर पूछते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया इन एच इंटरव्यू इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शनल क्या है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं जाएंगे थोड़ा सा ये हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है कि यार इस सब्जेक्ट पे जनरली पूछते हैं इस पर नहीं पूछते है ना तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको एंडलेसली तैयारी करनी है तो वी कैन हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग अ लिस्ट कि ठीक है आप ये ऑप्शन है आपका तो ये बीस क्वेश्चन पच्चीस क्वेश्चन तीस क्वेश्चन पहले आप तैयार करें है ना देखिए इंटरव्यू के अंदर एक गोल्डन प्रिंसिपल होता है चाहे वो स्टेट हो चाहे यूपीएससी हो बोर्ड नोज डैट योर इन्फॉर्मेशन योर नॉलेज कैन नॉट बी अनेंडिंग है ना उनको ये माइंड में होता है कि दिस पर्सन शुड नो वट ही ऑट्स और शी वट ऑट्स टू नो

एम्फोसिस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन हॉबीज इन स्टेट लेवल इंट्रूज आर इज मच लेस देन दू पी एस सी बट फिर भी कई बार पूछना चाहें तो पूछ ही सकते हैं जैसे स्टेट का प्लेसिस का बताऊँ एक लास्ट अटैम्प्ट में बच्चा का कुशित्रा प्लेस था उससे दस मिनट कुशित्रा पे क्वेश्चन पूछता रहे तो ऐसा चांस बन जाता है कई बार तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको करनी है ये फोर्थ हॉबीज का हो गया राइट right? फिफ्थ आपका हो गया यूर जनरल स्टडीज एरियाज जनरल स्टडीज एरियाज लाइक पॉलिटी पे कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई तो आर्टिकल के बारे में पूछ लेते हैं कई बार है ना वट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं ऐसे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो जो स्टेट लेवल पर पूछ लेते हैं ऐसे ही जोग्रफी में है ऐसे ही हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एंडलेसली तैयार नहीं करना होता लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है विच यू ऑट टू मूव जैसे वट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन द फ्रीडम स्ट्रगल अब ये क्वेश्चन तो आम पूछ लेते हैं आप कहो जी मेरे का मेरा आंसर इतना अच्छा तैयार नहीं है तो फिर मुश्किल है ना है ना तो अगर वो पूछ लें अच्छा इंडस वैली की प्लेसेस कौन कौन सी हरियाणा में बताइए जहाँ पर में वो है मिले हैं कुछ यूनर तो सिटीज एरियाज हो गया सिक्स एरिया आपका करंट अफेयर्स का हो गया जो करंट में चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल वो पूछ लेते हैं पास्ट अफेयर नहीं तैयार करने करंट अफेयर जो इशू करंट में चल रहे हैं करंट अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हरियाणा ऑल्सो हरियाणा में कुछ खास चल रहा है तो वो आपको मालूम होना चाहिए

तो ये भी तैयार थोड़ा सा करना एरिया बनता है तो सात एरियाज आप लगा के चलिए मोटे मोटे आपको ये तैयार करने हैं राइट तो तैयारी आप बिल्कुल फुल ज़ील से स्टार्ट कीजिए एंड कमिंग टू द रिसोर्सिस विच वी कैन प्रोवाइड देखिए ये हमारा एच एस का ये हमारा एच एस का जो है आपका वो है जोन है ये अब अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे एच सी अभीपीडिया तो ये पेज जा आ जाएगा इसमें देखिए एक तो मेरा पढ़ा है ये तीन चीज़ों में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं मस्ट टेल यू फर्स्ट थिंग वी कैन गिव यू आ पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक ठीक है सेकेंड हम आपके लिए एक ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू आपको दे सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएं या अपने पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स या अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएँ कि हाँ मेरे में क्या कमी है एनालाइज कर पाएँ और थोड़ी सी सजेशन के अबर काम कर जाते हैं और थर्ड मेरे कुछ लेक्चर्स हैं ऑन दिस कि बायोटा को कैसे तैयार करें हॉबीज़ को कैसे तैयार करें प्लेस को कैसे तैयार करें ये आपको उसका प्रिव्यू क्या है वो आपको क्वेश्चन लेक्चर्स मिल सकते हैं ये तीन चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूं कि तीनों चीज़ें कहां पे लोकेटेड हैं ये हमारे उसमें देखिए आप इस पेज पर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे ये मिलेगा फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक फॉर इंटरव्यू अभी डेफ आपका नहीं आया है तो यहां से डैफ आपको डाउनलोड करना है हम जो देंगे उसको भरना है फोटो लगानी है और यहां पे अपलोड कर देना है उसको स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना साफ सुथरी अच्छे से पीडीएफ फाइल बना के जिसका प्रिंट आउट हो सके वो आपने यहां पे अपलोड कर देने विदिन फोर्टी एट आवर्स फोर्टी एट आवर्स आपको आपका डैफ पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद सेकेंड ये है हमारे मॉक इंटरव्यू ट्रूस के नीचे ही आप अपना मॉक इंटरव्यू ट्रू यहाँ शेड्यूल कर सकते हैं है ना जैसे कल का मॉक सारे टेन दस के दस स्लॉट बुक हो चुके हैं आज का कल का परसों का बुक हो चुका है किस आ, का तो आगे यहाँ पे और शेड्यूल हो जाएंगे तो आप यहाँ पे मॉक अपना आ, बुक कर सकते हो ठीक है जस्ट आपको एनरोल फॉर फ्री करना है और आगे अपना अपने आप मैसेज आते रहेंगे आपको यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग शेड्यूलिंग ऑफ योर मॉक अपने आप कोऑर्डिनेशन हो जाएगी सारी और थर्ड चीज़ है जो लेक्चर्स की बात कर रहा था मैं लेक्चर्स आप यहां पे जाएंगे इसको क्लिक करेंगे ये फ्री है ये ट्रायल नहीं है ये फ्री है मैंने इसको फ्री कर दिया है इसमें कुछ लेक्चर पांच सात लेक्चर हैं जो आप लगा सकते हो ये देखिए ये लेक्चर्स हैं जो आपको बायोटा बेस्ड क्वेश्चन के लेक्चर पड़े हैं ये दे, दे, दिस लेक्चर यू कैन अटेंड कैसे बायोटा तैयार करना है वाई एच सी एस ये आपको सारे यहाँ लेक्चर मिल जाएंगे हॉबीज कैसे तैयार करनी है जनरल है ना तो ये बेसिकली आप करिए इसमें मैं और लेक्चर भी करूंगा जो आप लाइव लगा पाएंगे लेकिन फर्स्ट स्टेप इज टू ज्वाइन दिस कोर्स इट इज फॉर फ्री और इसके जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आप सुन लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा तो so, ये तीन चीजें हम आपको दे सकते हैं एंड दैट इज द रिसोर्स मन यू कैन प्रोवाइड आउट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ ट्वेंटी थ्री ईयर्स नाउ इन द इंडस्ट्री एंड होप यू विल प्रिपेयर वेल और आपको कोई भी ऐसी डेप्रिवेशन महसूस नहीं होगी कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन की कमी है राइट तो हैप्पी प्रिपेयरिंग कॉन्फिडेंट प्रिपेयरिंग राट प्रिपेयरिंग डोंट वेट फॉर द एग्जाम डेट इंटरव्यू डेट जस्ट प्रिपेयर एंड अ वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट अगेन फॉर दो कुड नॉट क्लियर प्लीज़ डोंट लूज हार्ट स्टे मोटिवेटेड आप बहुत नज़दीक हैं अपने लक्ष्य के क्योंकि आप मीनस लिख चुके हैं एक बार वक्त होता है टाइम होता है कुछ भी होता है लेकिन वक्त उन्हीं के साथ होता है जो मुसीबत में इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को कंपोज रखते हैं है ना अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं थैंक यू वेरी मच